फ्रेंड गोर छू के गोर लागत नहीं, कैसन बानी आप लोग बताए मुझे जरूर। अब फिलहाल हम आप लोग से एक बात बोलल चाहता नहीं, बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा भी लगेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए आप लोग के। फ्रेंड मैं बात यही बोलना चाहती हूँ कि एकाक लोग ऐसे हैं जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए बोली हूँ। वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा वो आगे बढ़ गए हैं तो उनसे कोई कमेंट किया, भैया मुझे सपोर्ट कीजिए, भाभी जी मुझे सपोर्ट कीजिए, और रिप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े आदमी हो जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उन्हीं लोग के सपोर्ट से मैं, उन्हीं लोग के प्यार दुलार से मैं आगे बढ़ी हूँ, तो उन लोग को मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँ, या कोई सोचने वाला नहीं है। तो फ्रेंड अगर मैं ये बात गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, सोचिए भाई, जो भी यूट्यूबर हैं मतलब जो वीडियो नहीं बना रहे तो उनको तो कुछ समझ में उतना जानकार नहीं रहता है, तो वो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो पहले नहीं बनाती थी तो मुझे ही नहीं पता था कि लाइक क्या होता है, कमेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता था, बस मैं वीडियो देखती थी। लेकिन जब से मुझे वीडियो पता चल गया, मेरे मोबाइल पर कोई भी है वीडियो बनाता है, तो मैं ये समझ के, वीडियो अच्छा लगे चाहे ना लगे, मैं ये समझ के लाइक कर देती हूँ कि भाई वो मेहनत कर रहा है, तो ये समझ के मैं उनकी चैनल सब्सक्राइब कर देती हूँ, लाइक कर देती हूँ। अगर मैं गलत करती हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ ये है कि अगर उसके अंदर कला है, उसकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना चाहिए, लेकिन मैं ये देख के नहीं, कला पर भी लाइक करती हूँ और मेहनत करने वाले के भी ऊपर लाइक करती हूँ। तो फ्रेंड्स जो थोड़ा सा नीचे हैं तो वो वीडियो बना रहे कह देंगे भाभी जी मुझे सपोर्ट कर दीजिए, कोई रिप्लाई उनको नहीं करता है, क्योंकि वो लोग अपने आप के बड़े मानते हैं तभी तो नहीं करते हैं। ऐसे बहुत लोग के साथ होता है, लेकिन मेरे मोबाइल पर देखिए, मैं सबका मजबूरी समझती हूँ, मेरे मोबाइल पर चाहे जो आगे बढ़ जाए जो हमसे पीछे है, कोई भी मेरे मोबाइल पर कमेंट करता है मैं उनकी रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि भाई वो भी दिन रात एक करके मेहनत करके वीडियो बना रहे, जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो वैसे ही मैं सबको समझती हूँ कि सब लोग वैसे ही मेहनत करते, इसलिए मैं सबका जवाब देती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। अगर मैं ये बात गलत बोली हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना भी यूट्यूबर होंगे जो भी वीडियो बनाते होंगे, और दोबारा ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि भाई वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़े हैं तो आप उन्हीं लोग के सपोर्ट से आप लोग आगे बढ़े हैं, तो समझना चाहिए किसी दर्द और दिल की और किसी की परेशानी की, और वीडियो बना रहे हैं तो भाई उनको भी थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तभी तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो सबको आगे बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि जो आगे बढ़ गया है अब मैं आगे बढ़ गई तो दूसरे को क्यों सपोर्ट करी, मैं तो बड़े हो गई हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मन में सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब भाई सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अब मैं हूँ कि बच्चा ले लेके मेहनत करती हूँ, देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये 24 घंटा मेरे साथ ही रहती है, हटती नहीं है, इतनी शैतानी करती है, देखिए काम में हाथ लगा रही गेहूँ सारा दिन आंटी करती रहती, कभी दाल छिटेगी, कभी चावल छिटेगी, कभी आटा छिटेगी, कभी गेहूँ छिटती है, ऐसी करती है सारा दिन परेशानी। फ्रेंड मैं परेशान हूँ और मैं गलत बोली हूँ, अगर किसी को बुरा भी लगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा, कि मैं जो भी बोली हूँ सच बोली हूँ। कोई भी इंसान है कमेंट कर देने पर उनकी कमेंट को लोग लाइक कर देते हैं लेकिन उसको रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, अगर मैं गलत बोली हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय दोस्तों, मैं आज की वीडियो में भला लगे बुरा लगे वो भी बता दीजिएगा मुझे, जिसको भी बुरा लगे वो भी बता दीजिएगा, बुरा लगे तो लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं जो आगे बढ़ गए हैं, वो तो और ही जैसे अपने आप को भगवान मान लेते, ये नहीं समझते हैं कि हाँ वही लोग के देन है कि मैं आगे बढ़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं समझते हैं। अगर मैं गलत बोली तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, और जो वीडियो नहीं बना रहे हैं तो फ्रेंड मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि जो वीडियो नहीं बना रहे हैं उनकी नॉनवेज नहीं रहता है, नहीं जानकारी रहता है, तो वो नहीं रिप्लाई जवाब दे पाते, क्योंकि मुझे ही पहले खुद नहीं पता था मैं आप लोग से क्या छुपाना है, मुझे कुछ नहीं पता था, अब मैं जब बिट से वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ तब से मुझे पता चला कि लाइक क्या होता है, कमेंट क्या होता है, और तब से मैं
कोई भी इंसान है मेरे मोबाइल पर आता है वीडियो, मैं देखती हूँ सारा वीडियो, सबकी लाइक करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि फ्रेंड मेहनत कर रहे हैं कैसे नहीं, कितनी मजबूर है और मेहनत कर रहा है भाई, मेहनत को उसको सफलता मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत करते वक्त भगवान देखते हैं तो मेहनत वाले को सफलता देते हैं, तो हम लोग तो इंसान हैं तो एक लाइक करने में क्या जाता है, तो इसीलिए मैं कर देती हूँ फ्रेंड। अगर मेरे वीडियो देखने से आप लोग के क्या शिक्षा मिला आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अभी, और आज की वीडियो में इतना ही कहती हूँ, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि की व्रत चल रहा है, माता रानी के मूर्ति रखाई है चारों तरफ, बाय बाय। इधर गुक्कू के शैतानी देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए, मिलिए मेरे गुक्कू से, मिलिए मिलिए सब आप लोग मिलिए, ये मिल वही नहीं करेगी क्योंकि ये भी बड़ा आदमी अपने आप को मानती है। जैसे कुछ यूट्यूबर हैं उनके पास कमेंट करेंगे तो आपके वीडियो जो कमेंट है उसको लाइक कर देंगे, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं देंगे, ये नहीं कि हाँ वो किया है तो उसके चैनल के सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, उसको भी कमेंट कर दें ताकि उसका भी अच्छा लगे, उसके भी दिल खुश हो जाए, तो वैसे ही अपने आप को महान मानती है, अपने आप को बड़ा। हम लोग खिलाते हैं तो भाव खाती भागती है, देखिए क्योंकि हम कैमरे में ले रहे हैं तो ये भाग रही है, पीछे से दिखा रही है, चेहरा वा ढांक लिया अपना, बाय बाय फ्रेंड।